हेलो डियर यूट्यूब फैन, काफी दिन हो गए थे वीडियो नहीं बनाया था। और सो गाइस, मेरा जो माइक था कॉलर माइक वो मेरे शॉप मतलब मेरा जो स्टूडियो है उसमें रुका हुआ है, इसलिए मैं ये वाला जो माइक यूज कर रहा हूँ, जो हेडफोन इसको मैंने कुछ दिन पहले परचेस किया था। चलो इसका वीडियो कभी और मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जो यार आप लोग अगर इंस्टाग्राम रील्स वीडियो बनाते हो तो ये वीडियो को भाई शुरू से लेके एंड तक आपको देखने होंगे, तभी आप समझ में आ जाएगा कि जो भी मैं एप्स यूज करूंगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे देखने को मिल जाएगा। और यार जो भी एडिटिंग स्लो मोशन एकदम स्मूथ तरीके से कैसे करना है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखनी पड़ेगी। और अभी तक मेरा नाम नहीं पता तो भाई मेरा नाम है सत्य प्रकाश, आप देख रहे हो सत्य टेक्निकल यूट्यूब चैनल। और यार देखो जो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर नहीं दे पाऊंगा तो मैं इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, तो वहां पे जाके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करके मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना। अगर मन करे तो ही फॉलो करना, जबरदस्ती नहीं है मेरे भाई। और जो भी प्रोफाइल है उसमें मैंने बायो पे लिंक दिया है ऐप का, तो उसको सीधा ब्राउज फीचर में जाके आप उसको सिंपल इंस्टॉल कर लेना है। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, स्क्रीन पर चलेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना, आने वाले ऐसे जेन्युइन कंटेंट वीडियो आपको मेरे इस चैनल पे मिलेंगे। तो चलो दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, जो भी एप्लीकेशन यूज करूंगा उसका नाम है VN एप्लीकेशन, जो कि यार प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ब्राउजर से यूज करो जो कि प्रीमियम वर्जन है, जिसमें कोई भी वाटरमार्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो प्लीज जाइए मेरे लिंक में और आप लोग सिंपली वहां से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो गाइस देखो, सबसे पहले आपको चले जानी है VN एप्लीकेशन, जो कि आप लोगों को बायो में मेरा लिंक मिल जाएगा, तो वहां से क्लिक करके ये एप्लीकेशन आपको इजीली इंस्टॉल कर लेना है। और मैं प्ले स्टोर का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी यहां से जो भी यहां पे देखिए, यहां पे दिख रहा होगा प्लस का आइकॉन, इसको क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट को सिंपल यहां पे क्लिक कर लेनी है। जैसे इसको क्लिक करेंगे, यहां पे मैंने दो वीडियो यहां पे ऐड कर रखा है जो कि आप लोग देख सकते हैं। यहां पे कुछ कुछ मतलब यहां पे एक्स्ट्रा पार्ट्स, उसको लेयर को मैं यहाँ पे एंड कट कर दूंगा। तो सो गाइस इसको प्रोसेसिंग होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट यहाँ पे जल्दी से हो जाता है, यहाँ पे स्मूथ तरीके से यहाँ पे काम होता है। तो सो गाइस यहाँ से मेरा ऐड हो चुका है और इसको मैं म्यूट कर देता हूँ, क्योंकि यार साउंड मेरे को चेंज करना पड़ेगा, इसलिए इसको मैं थोड़ा सा म्यूट कर देता हूँ। और जो ये वाला पार्ट है इसको भी मैं यहाँ से म्यूट को क्लिक कर देता हूँ, या तो वॉल्यूम को म्यूट पे क्लिक कर देता हूँ। सो गाइस यहाँ से आप लोग देख सकते हैं पे ऐसा मैंने यहाँ पे चल रहा है भाई, यहाँ पे देख सकते हैं पे स्लोमो यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पार्ट को यहाँ पे कट कर लेता हूँ, स्प्लिट करके ये वाला पार्ट को मैं थोड़ा सा स्लोमो, देखिए जितना ज़्यादा ऊपर करेंगे उतना स्पीड रहेगा और नीचे वाला करेंगे तो थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो मैं इसको स्लो और स्मूथ दोनों एक साथ यहाँ पे काम करना है इजिली। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप एक बार मैं प्ले करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग गाइस यहाँ सिंपल यहाँ पे चल रहा है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं स्लोमो यहाँ से एकदम स्मूथ तरीके से, किसी को पता भी नहीं चलेगा गाइस कि मैंने इसको इस एप्लीकेशन में ऐड किया है। तो सो गाइस इसका बाकी एंड पार्ट है उसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, स्प्लिट करके सिंपल इसको डिलीट पे क्लिक कर देता हूँ। और गाइस एक चीज़ और बता दूँ, काफ़ी सारे लोग इसमें एडिट करते हैं वीडियो और साथ ही साथ इसको सीधा एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो सो गाइस इसका खास फीचर मैं बताऊँ यहाँ पे एंड में बताऊँगा, तो पहले वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लो। यहाँ से देखिए, यहाँ पर मैं यहाँ पर किया, उसके बाद कुछ यहाँ पर भी स्लोमो लगाना है, तो इसको आप लोग स्पीड को क्लिक करके यहाँ पर थोड़ा सा स्लो फास्ट, फिर हल्का सा स्लो, फिर हल्का सा फास्ट, फिर यहाँ पे स्लो। सो गाइस इतना हो जाने के बाद एक बार मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल ही है। उसके बाद स्लो मो यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी मक्खन की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। और गाइस ये वाला जो लास्ट लेयर होता है ना, लास्ट वाला पार्ट ब्लैक वाला, इसको यहाँ से डिलीट कर देना, नहीं तो फिर यहाँ पे वाटर मार्क आपको वीडियो के एंड में देखने को मिलेगा। जो गाइस यहाँ पे वाटर मार्क यहाँ पे काफ़ी सारे लोग पसंद नहीं आता, और वाटर मार्क वाला आप लोग समझ ही सकते हो। तो एक बार प्ले करता हूँ, यहाँ पे कुछ सॉन्ग भी मैं ऐड करूँगा जो कि आपको मैं बताऊँगा। यहाँ पे देख सकते हो प्रॉपर्ली यहाँ पे स्मूथ तरीके से काम कर रहे हैं। अब चाहो तो इसमें कलर फिल्टर वगैरह भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करके यहाँ पे कलर ग्रेड कर सकते हो, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे शो हो रहा है। बट मैं ये वाला कलर मेरे को उतने अच्छे नहीं लगे, यहाँ पे ये वाला कलर भी उतने खास, हाँ मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ बट आप लोगों को दिखाने के लिए। यहाँ पे अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद जो भी कलर है वो सभी मेरा लेयर जो पार्ट है वीडियो का उस पे ये स्मूथ यहाँ पे ऐड हो चुका है, कलर ग्रेड फिल्टर भी। अब मैं यहाँ पे साउंड यहाँ पे ऐड करूँगा, तो सो गाइस यहाँ से मैं ये वाला यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। सो गाइस यहाँ से थोड़ा सा इसको थोड़ा सा यहाँ पे
हल्का से इसको ये कर लेते हैं, उसके बाद राइट पे क्लिक करके उसके बाद सिंपल। तो सो गाइस एक बार प्ले करके देखते हैं ये वीडियो कैसे। यहाँ पे क्या हो गया यहाँ पे चुका यार, थोड़ा सा ग्लिच तो होते रहता है, बट ग्लिच ये क्या पता ग्लिच हो चुका। तो सो गाइस इतना हो जाने के बाद यहाँ से एक्सपोर्ट करके मैं इसको इंस्टाग्राम रील्स पे अपलोड करूँगा, जाके इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं एक्सपोर्ट कैसे करना है, रिजोल्यूशन देख सकते हैं 1080p पे पहले से, और FPS जो दिया है वो 30 है, और बीट रेट है 10.21 Mbps। तो यहाँ से मैं राइट पे क्लिक करता हूँ। या फिर यार मेरे को एक चीज़ इसका ये अच्छा लगा कि इसको एक्सपोर्ट करते हैं तो काफ़ी स्पीड में एक्सपोर्ट होता है, और चाहे तो ये अच्छा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है तो इसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सो गाइज मैंने आपको बताया ये कैसा लगा यार ट्रिप्स, अगर इस ट्रिप्स पहले से पता है आपको एप्लीकेशन के बारे में तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना कि यार ये ट्रिप्स पहले से पता था करके। मिलता हूँ किसी नए छोटे से वीडियो के साथ, काफ़ी दिनों गए थे वीडियो, मैंने सोचा भाई आप लोगों के लिए ले आऊँ। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जान मेरे, बाय।